नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि शेयर का मार्केट कैपिटल, प्रमोटर्स की होल्डिंग और उस कंपनी का जो ट्रेंड है आपको अपसाइड दिखेगा, और वो जो शेयर है काफी पॉजिटिव दिख रहा है। वो शेयर आप देखेंगे और जब उसको एनालाइज करेंगे तो आप उस शेयर में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो आज हम शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं, वो है बायर क्रॉप साइंस शेयर। आप इस शेयर का अगर मार्केट कैपिटल देखें तो वो है 22,333 करोड़, और यही अगर इसके कर्ज को आप देखेंगे तो इसका कर्ज है 13.2 करोड़, यानी कि कंपनी के कैपिटल से काफ़ी छोटा है। आगे चल के अगर कंपनी को कोई मुनाफा होता है तो मुनाफे को कंपनी अपने एक्सपांड करने में लगाएगी, कंपनी को और बड़ा करने में लगाएगी, कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में लगाएगी, क्योंकि कंपनी के पास कर्ज बहुत कम है। कंपनी उस मुनाफे को कर्ज में नहीं डालेगी, वो अपनी कंपनी को और बढ़ाएगी, जिससे कि हमारा मुनाफा आगे चल के काफ़ी बढ़ सकता है। यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखेंगे, देख सकते हैं 50% से ज़्यादा यहाँ पे प्रमोटर्स की पकड़ है इस शेयर में, 71.4%। रिटर्न ऑन इक्विटी 19 है और सेल ग्रोथ 13 है। अगर आप स्टॉक का पी देखेंगे तो 44 है, इंडस्ट्री का पी 38.8 है। यानी कि हमें ये दर्शाता है ये कि अभी ये स्टॉक का जो वैल्यू है, करंट प्राइस चल रहा है, ओवर वैल्यूड है। हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। जब हम चार्ट को एनालाइज करेंगे वहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें कब और कहाँ एंट्री लेनी है। अगर समय प्राइस ऊपर चली गई तो हम थोड़ा वेट करेंगे, प्राइस थोड़ा नीचे की ओर है, जब नीचे की ओर करेक्शन आएगा तब इस शेयर में हम बाइंग करेंगे। तब तक इस स्टॉक को फॉलो कीजिए, अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए। जब भी आपको मौका मिला आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करके इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए, क्योंकि ये शेयर काफ़ी अच्छा शेयर है। अगर आप इसके ट्रेंड को देखेंगे, ट्रेंड में आप देख सकते हैं कि किस तरह अपसाइड गया हुआ है, ये धीरे धीरे शेयर मूव करते हुए ऊपर की ओर गया है, तो हमें ये दर्शाता है कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। ये आप मैनिपुलेशन नहीं है, मैनिपुलेशन जो होता है वो धीरे धीरे ऐसे नीचे जाते जाते एक्सैक्ट ऊपर की ओर चला जाता है, वहाँ पे एक मैनिपुलेशन होने की आशंकाएं होती है। लेकिन ये शेयर जो है वो अपना नीचे ऊपर, यानी कि करेक्शन दे के बढ़ोतरी करके फिर रिटर्न धीरे धीरे ऊपर की ओर गया हुआ है। अगर आप इसके सेल ग्रोथ को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस किस तरह अपने सेल्स को धीरे धीरे उसने बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश की है, यानी कि उसने धीरे धीरे यहाँ पे अपने परफॉर्मेंस को काफ़ी अच्छा किया हुआ है, उसने धीरे धीरे अपने सेल को यहाँ पे बढ़ाया है। तो हमें यहाँ पे ये दर्शाता है कि कंपनी अच्छा काम कर रही है और धीरे धीरे अपने काम को ऊपर की ओर ले जा रही है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि किसकी किसकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे शेयर में, तो यहाँ पे FII की है 2.99 और यहाँ पे DII की है 12.53, यानी कि इस शेयर में DII ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस शेयर में हम भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक का 13.05 है। तो दोस्तों, अगर ये शेयर को आप भी एनालाइज कीजिए टेक्निकली, फंडामेंटली, अगर ये शेयर आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड में आता है तो इस शेयर में आप ज़रूर ट्रेड कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं रुकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।